भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर हकीम शाह लेन में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अंसारी के मकान में रह रहे मोहम्मद फैजल के घर में चल रहे अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पटना एसटीएफ के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए उद्भेदन किया गया है। पटना एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर हथियार बनाए जाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद एसटीएफ के द्वारा यहां छापेमारी की गई, जिसमें हथियार बनाने के कई बड़े बड़े मशीन और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए। वहीं नाथनगर स्टेशन के पास से भी एसटीएफ के द्वारा लगभग 20 अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए। एसटीएफ सूत्रों की माने तो यहां पर लंबे समय से हथियार बनाने का काम चल रहा था। वहीं एसटीएफ की टीम मकान मालिक के पुत्र मोहम्मद मिकाइल अंसारी से पूछताछ कर रही है। वहीं अवैध तरीके से हथियार बनाने का काम कर रहे फैजल अंसारी फरार हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर भागलपुर में 28 दिसंबर को मेयर, उप मेयर और पार्षद पद के लिए मतदान होना है, जिसके लिए प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। अब केवल 3 दिन प्रचार को बचे हैं। प्रत्याशियों ने अपने प्रचार प्रसार में जोर लगा दिया है। नगर निगम भागलपुर से मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल लगातार पूरे दिन भर जनसंपर्क अभियान चला रही है, साथ ही सभा और पैदल मार्च भी कर रही है। प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावा उनके पति डॉक्टर बिहारी लाल भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और अपने प्रत्याशी को मत देने की भी अपील कर रहे हैं। डॉक्टर वसुंधरा लाल के साथ उनके समर्थक भी लोगों से मिलकर अपने वादों और इरादों से मतदाताओं को अवगत करा रही हैं। साथ ही अपने चुनाव चिन्ह टमटम छाप पर मतदाताओं से वोट करने की अपील कर रही हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत भागलपुर नगर निगम के मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने आज अलीगंज के विभिन्न मोहल्लों में घूम घूम कर मतदाताओं से मिली और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही चंपानगर में पैदल यात्रा भी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि उन्हें मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है, अपनी बातों से वे मतदाताओं को अवगत करा रही हैं और उन्हें पूरा विश्वास है मतदाता इस बार राजनीति और जात पात से उठकर उन्हें वोट करेंगे। दक्षिणी क्षेत्र के एक एक घर से एक एक मतदाता वो हम लोगों से ज्यादा जागरूक है कि कब वसुंधरा लाल जी जीत कर आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। महिलाओं से लेके पुरुषों तक, नौजवानों तक, सभी वसुंधरा लाल जी का दिल से समर्थन कर रहे हैं। हम लोग 100 में 100 समर्थन कर रहे हैं, पूरा 100%, क्योंकि पहली बार आजादी के बाद भागलपुर शहर में इस दक्षिणी क्षेत्र को राजनीतिक में आने का और ऊंचे पद पर जाने का पहला मौका मिला है, इसको हम लोग गंवाना नहीं चाहते हैं। मेरा नाम घनश्याम पाल, निवासी अलीगंज। बोलने के लिए कुछ नहीं है अलीगंज वासियों को, ये तो मेरी बहू है और हम लोग अलीगंज वाले चाहते हैं डोली पे इसको नगर निगम पहुंचाएं, इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आशीर्वाद दीजिएगा बहू को। अब कैसे आशीर्वाद दें, आप बताइए, बहू ना है और कौन चाहेगा कि आशीर्वाद नहीं दें? कौन चाहेगा कि मेरी लक्ष्मी नगर निगम के कुर्सी पर, मेयर के पद पर बैठे? एक बात हम और कह देना चाहते हैं, अब जो प्रशासक होते हैं वो आईएएस होते हैं, उसको जवाब देने के लिए आईएएस वाला टैलेंट चाहिए, वो हमारी बहू वसुंधरा जी हैं। इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, धन्यवाद। 100% आप हम लोग का साथ छोड़ के घर घर में आप पूछ के देखिए, वसुंधरा लाल के सिवा कोई नाम नहीं है। हम तो ये भी नहीं जानते कि कितना प्रत्याशी है, ये भी नहीं आ रहा है समझ में। हमारा नाम अशोक कुमार शाह है, हम अलीगंज के निवासी हैं। हमारा जो है, हमारे समाज से श्री वसुंधरा लाल जी उठे हुए हैं और कर्मठ प्रत्याशी हैं और वो करीब 15-20 वर्ष से समाज में सेवा दे रहे हैं और हमारा समाज अलीगंज, महेशपुर, पूरे समाज अलीगंज में जितने भी आते हैं, गुलाबी बाग, अलीगंज, गंगटी, महेशपुर, सभी का योगदान इनके पीछे रहा है और हमको हर विश्वास है 100% कि वसुंधरा लाल जी जीतेंगे और हम वसुंधरा भारी मतों से जीतेंगे। वसुंधरा लाल जी से हम मांग किए हैं कि हमारा दक्षिणी क्षेत्र स्मार्ट सिटी में नहीं आया है, जबकि भागलपुर का सभी शहर, नगर निगम नाथनगर वगैरह, तिलका मांझी, भीकनपुर, सभी स्मार्ट सिटी में आया है। हम वसुंधरा लाल जी से आग्रह है
और हमको विश्वास है कि हमारा दर्शनीय क्षेत्र को स्मार्ट सिटी में लाने का प्रयास करेंगे और स्मार्ट सिटी का पैसा ले रहा है सरकार, लेकिन स्मार्ट सिटी में वसुंधरा समर्थन कितना आई बताइए। मेरा समर्थन 105% है मेरे समाज का, और जीतेगी और नहीं जीतेगी तो उसके लिए जो करना होगा फिर भी हम करेंगे 100%। मैं कामेश्वरी प्रसाद पम्मी, ईश्वर नगर मंडल महिला मोर्चा महामंत्री। ये दक्षिणी खंड में हमारी जो वसुंधरा लाल मैडम है, इनको मतलब हमारे दक्षिणी खंड से, दक्षिणी क्षेत्र से 100% महिला पुरुष का 100% समर्थन है, क्योंकि मैं डोर टू डोर जाके इनका ये की, तो इसमें इनका 100% समर्थन है। और हम लोग जहाँ तक होगा बूथ इलेक्शन वाले दिन इनको मतलब पूरा ये करेंगे, अपने दक्षिणी खंड से इसको संपूर्ण भारी से भारी बहुमत से इनको विजय दिलाने। बहुत आभार आप सब मेरे लिए, इतना पैदल चले, इतना सपोर्ट किए, इतना मेरा हौसला अफजाई किए, आप सबों को मेरा दिल से आभार। बस अब एक दिन और बाकी है, 28 तारीख का दिन, जिस दिन हम लोग अपना सब एकजुटता, जितना एकजुटता अभी तक दिखाते आए हैं, उस दिन सब मिलकर एकजुटता दिखाएं। और आप सबका एक एक वोट बहुत कीमती है, वही वोट हमको उस मुकाम तक पहुंचाएगा। तो आप सबों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, मेरी विनती है कि आप लोग सभी जितना ज्यादा से ज्यादा की संख्या में हो बूथ तक जाएं और मुझे भारी भारी बहुमत से जीत दिलवाएं। ये आप सबों की जीत होगी, ये हम सबों की जीत होगी। नगर निगम भागलपुर चुनाव के मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह जल्द निकलकर देर शाम तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना वो चाह रहे हैं, ताकि अपने वादों और इरादों से उन्हें अवगत करा सके। इसी सिलसिले में उप महापौर के प्रत्याशी संतोष कुमार लगातार क्षेत्र में जाकर मतदाताओं से मिलकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। संतोष कुमार के साथ उनके समर्थक भी पूरे जोशो खरोश के साथ चल रहे हैं और लोगों से मिलकर संतोष कुमार के विजन को बताकर संतोष कुमार के चुनाव चिन्ह पानी का जहाज, जो कि ईवीएम के क्रमांक 8 पर है, पर मत डालने की अपील कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज उप महापौर के प्रत्याशी संतोष कुमार ने रेलवे कॉलोनी सोनापट्टी, नाथनगर, बूढ़ानाथ, साहेबगंज, रेफ्यूजी कॉलोनी, कटहलबाड़ी सहित कई अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क चलाया, साथ ही कई जगह सभा भी की। उप महापौर के प्रत्याशी संतोष कुमार ने बताया कि लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, उन्हें जनता का भरपूर प्यार मिलता नजर आ रहा है। अगर जनता ने मौका दिया तो वो जनता के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे। कोई जो अपना पसंदीदा जो भी पार्षद हो, मेयर हो, उप मेयर हो, उस पे आप लोग बटन दबाकर उसको विजय बनाए। अच्छा, मेरा हम उप मेयर से चुनाव लड़ रहा है और मेरा क्रमांक संख्या 8 है, जिसका चुनाव चिन्ह पानी का जहाज। हम लोग आपसे अपील करते हैं कि आप उस दिन पानी का जहाज पर बटन दबाकर हमें भारी मतों से विजयी बना दें, जिससे हम लोग शहर में भैया के साथ मिलकर बहुत सारा काम कर सके। जैसा कि भैया बताए थे, हम चुनाव में सही में आना नहीं चाहते थे, लेकिन विजय भैया का था कि नहीं, अगर आप चुनाव में नहीं आते तो कल दिन आपको शहर के लिए बोलने का कोई भी हक नहीं रहेगा, क्योंकि रोस्टर प्रणाली है, गलत लोग चुन के आएंगे तो फिर दिक्कत होगा। आपको हम बहुत दिन से जान रहे हैं, तो हम लोग सब मिल के विकास करेंगे। विजय भैया बहुत सारे सोशल वर्क करते रहते हैं शहर में, आज का फैन फॉलोवर्स भी बहुत ज्यादा है शहर में, तो हम लोग ने विचार कि अब मैं भैया हम सोच के बोलेंगे। फिर क्या मन हुआ कि नहीं, जब हम एक दिन गए वहां घूमने के लिए, मतलब जिस दिन जो है चुनाव का प्रक्रिया चालू हुआ नॉमिनेशन डालने के, तो हमने देखा बहुत सारी वहां बातें, तो हमें कुछ त्रुटि नजर आई, तो हमें लगा कि मतलब मैदान में जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, वो जितने भी लोग मैदान में आए तो वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, सिर्फ अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए आए। तो हमने भी विचार किया कि नहीं, ऐसे लोग हैं, एक पक्ष के लोग हैं उधर से, एक पक्ष के नौ पक्ष के लोग इधर से, तो हमने भी विचार किया कि नहीं हम मतदान डालेंगे ताकि मजबूती से चुनाव लड़े और इस चुनाव में बने रहे। तो फिर इस बीच में जो है चुनाव रद्द हो गया रोस्टर प्रणाली को लेकर, फिर जो है कि जो है पेपर टेस्ट की प्रक्रिया चालू हुई, फिर सरकार ने अपना जो है, निर्वाचन आयोग ने अपना घोषणा किया कि जो है कि चुनाव जो है 28 दिसंबर को और 18 दिसंबर को नगर पंचायत और 28 दिसंबर को नगर निगम का चुनाव होगा।
तो सभी लोग असमंजस में भी थे कि मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना था 20 को जनवरी को, क्या हवा नहीं होगा। लेकिन हमने उस बातों को नहीं सोचा कि डिसीजन 20 तारीख को आना है, लेकिन हम सोचे कि नहीं, चुनाव में अगर है तो मजबूती से रहेंगे, चाहे परिणाम बाद में जो भी हो, हमें चुनाव जीतना है और मजबूती से रहना है। और भैया लोग का प्यार, आप लोग का प्यार, सभी का प्यार मेरे साथ बना है, तो हम चाहते हैं कि ये प्यार बना रहे और भारी मतों से आप हमें मतदान करके जिताएं। भागलपुर जेल प्रशासन की लापरवाही से बेगूसराय के रहने वाले पंकज कुमार सिंह के 17 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार की मौत हो गई। गौरतलब हो कि युवक लखीसराय हसनपुर का रहने वाला था, जो पटना में रहकर अपनी पढ़ाई करता था। युवक 27 दिसंबर 2022 को साइबर सेल क्राइम के तहत पुलिस की गिरफ्त में आया था और उसे बाल गृह में कैद कर रखा गया था। वहीं कैदी युवक की बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया ले जाया गया, लेकिन जब इसकी हालत नाजुक होने लगी तो उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया, जहां युवक की इलाज के दौरान अहले सुबह मौत हो गई। मृतक कैदी युवक के परिजनों का कहना है कि जब हम लोग खगड़िया बाल गृह में अपने बेटे रोशन से 2 दिन पहले मिलने गए थे तो वो स्वस्थ था। हम लोगों की उनसे बात भी हुई थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ना और इलाज के दौरान मौत हो जाना, यह प्रशासन पर सवाल या निशान खड़ा करता है। कुछ दिन पहले लखीसराय हसनपुर का रहने वाला मृतक कैदी युवक रोशन बेगूसराय तेघड़ा की रहने वाली एक लड़की से प्रेम करता था। वह उस लड़की का फेक अकाउंट बनाकर इंस्टाग्राम पर कई मैसेज सेंड किया करता था। यह बात जब लड़की के पिता को पता चली तो उसके पिता ने अज्ञात युवक पर बेगूसराय थाना करतनपुर ओपी में केस किया था। पुलिस जब इसकी तहकीकात में जुटी तो पता चला कि प्रेमी युवक रोशन पटना में रहकर पढ़ाई करता है, और तभी पुलिस ने उसे पटना के लॉज में ही धर दबोचा, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लखीसराय का रहने वाला 17 वर्षीय मृतक रोशन कुमार के पिता पंकज सिंह ने बताया कि प्रशासन की लापरवाही से मेरे बेटे की जान गई है। जब मैं 2 दिन पहले अपने बेटे से अच्छे से बात किया तो अचानक यह कैसे मर सकता है। वहीं उन्होंने आशंका जताई कि जेल के अंदर ही मेरे बेटे ने कोई जहरीला पदार्थ या एसिड पीकर जान दे दी। अब यह सवाल उठता है कि जेल प्रशासन कहाँ थी। कोई पता नहीं, 4 बजे सुबह में से सूचना मिला। किस मामला में जेल में था? हाउन का मामला था। कब से था? 20 दिन का लगभग। कितना दिन से? 20 दिन का लगभग। क्या नाम है? रोशन कुमार। घर? लखीसराय हसन। आप कौन हुए? हम उनके पिताजी हैं। इससे पहले कोई सूचना नहीं था, कैसे क्या हुआ? नहीं है, सुबह का सूचना हमको नहीं मिला। सुबह में हमको 4 बजे जो है मृत जब हो गया तब सूचना मिला। कौन दिया? जेल को विभाग स्टाफ दिए। किस जेल में था? खगड़िया जेल में। पुलिस जिला नवगछिया के कोसी पार कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगली टोला कदवा में एक महिला की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। घटना दिन के करीब 12 बजे की बताई जा रही है। महिला की हत्या धारदार कुदाल से काट कर की गई है। सब जंगली टोला व पकड़ा टोला कदवा के बीच बैहार में कोसी धार के ऊपर मक्का लगे खेत से बरामद हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है, जहां सब को देखने सैकड़ों लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जुटी हुई है। वहीं सब के करीब 10 मीटर दूर कास की छाड़ी में खून तथा कुदाल भी बरामद कर लिया गया है, जिससे काट कर महिला की हत्या के बाद कुदाल को फेंका गया था। मृतिका के सिर्फ माथे पर ही कुदाल से प्रहार कर हत्या की गई है, जहां महिला के माथा पर पिछले वाले हिस्से पर गहरे जख्म के निशान थे। मृतक महिला राजू शर्मा उर्फ राजेश की पत्नी खुशबू देवी बताई जा रही है। सबके साथ विलाप कर रहे मृतका के ससुर जोगी शर्मा ने बताया, महिला करीब 11 बजे घर से कोसी पार करीब 500 मीटर दूर खेत में लगे मक्के की तमनी व निराई करने गई थी। वह खेत पकड़ा टोला कदवा निवासी छरपन राम की सुधभरना वाली है, जिसमें राजू ने मक्के लगाए थे। खुशबू की हत्या के बाद गांव में चर्चा बनी हुई है कि पति ने ही किसी बात को लेकर बकवास के दौरान अपनी ही पत्नी की कुदाल से काटकर हत्या कर दी होगी। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी खेत पर काम करने गए थे। जिस कुदाल से हत्या की गई वह कुदाल खुशबू के पति की ही है। वहीं घटना के बाद खुशबू का पति फरार है। यह भी बताया जा रहा है कि खुशबू के पति राहुल शर्मा उर्फ राजेश का करीब 4 महीने से दिमागी हालत ठीक नहीं चल रहा था, जिसका इलाज चल रहा था। मृतिका को 2 पुत्र 1 पुत्री है। घटना की जानकारी मिलते ही कदवा ओपी थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। तक महिला कौन है आपका? पुलिस नहीं थे, प्रशासन नहीं थे। बाबा
कौन है ये महिला आपका? कखनी घटना आयल छ पता? कखनी घटना आयल छ? खेत आप नहीं छे घटना कत देर पहले अलोरे कदूर अच्छा ना से सुनिए ना घटना कत देर पहले छे सुबह महिला कहाँ रहे सुबह कहाँ रहे महिला बोलिए ना घर से कै बजे निकलो रहे 11-12 बजे घर से अलो रहे यहाँ खेत कौन चीज से मारले छे की ना छे महिला के ना की छे खुशबू ना छे पति के नाम पति के नाम राजेश राजेश शर्मा घर कहाँ है ले जंगली टुकड़ा बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में सीबीआई की टीम के द्वारा घोटाले की किंगपिन स्वर्गीय मनोरमा देवी के पुत्र अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया की संपत्तियों पर कोर्ट के द्वारा जारी 82 का नोटिस चस्पा किया गया है। 22 तारीख को कोर्ट में दोनों आरोपियों को हाजिर होना था लेकिन दोनों कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद तिलका मांझी स्थित न्यू विक्रमशिला कॉलोनी में इन तीन मकानों पर नोटिस सीबीआई के द्वारा ढोल बजाकर साटा गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे प्रदेश के साथ साथ भागलपुर में एसएससी की कंबाइंड परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में गाइडलाइन के अनुसार भीषण सर्दी के बीच सभी छात्र छात्राओं के जूते और मोजे भी खुलवा दिए गए। दो पालियों में आयोजित होने वाली एसएससी परीक्षा को लेकर भागलपुर में भी टीएनबी कॉलेज, जिला स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, हाई स्कूल सहित दर्जनों परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा देकर निकले छात्र छात्राएं जहां पूछे गए सवाल से काफी उत्साहित दिखे, वहीं परीक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम की काफी सराहना की। एसएससी परीक्षा को लेकर छात्रों ने क्या कहा आपको हम आइए सुनाते हैं। सवाल तो नॉर्मल था, मॉडरेट सवाल था। परेशानी किस में जा रीजनिंग में, जीके जीएस? नॉर्मली रीजनिंग जो था वो थोड़ा था, लेवल ठीक ही था मैथ रीजनिंग का, बाकी जिसका जो टफ था वो अपना हमारे हिसाब से तो रीजनिंग थोड़ा ठीक था। ठीक था। किस तरह का सवाल था? सवाल मतलब कि मैथ रीजनिंग तो ठीक था और जीके जीएस भी मॉडरेट ही था। जूता चप्पल जूता मोजा तक खुलवा लिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या? बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन सब अच्छा आया था जी। क्या चीज में परेशानी हुई? कौन? थोड़ा सा रीजनिंग में टाइम टेकन था और क्या। जूता मोजा खुलवा दिया गया, ये तो गलत है, नाम ये नहीं। अब क्या कीजिएगा, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। अच्छा हुआ है ना, अच्छा है। पारदर्शिता के लिए अच्छा है ना, जो नियम बनाई है आयोग वो तो अच्छा है। और ये हम लोग के लिए ही फायदा है, एग्जाम बहुत बढ़िया से हो रही है और सब पेपर का लेवल भी मॉडरेट ही था। क्या बोल? एग्जाम सर बहुत अच्छा लिया गया है, पूरा कड़ाई से भी लिया गया है, सारा नियम अनुशासन के साथ लिया गया। और हम लोग को सर बेल्ट वगैरह जूता वगैरह कोई चीज़ नहीं, खाली पाँव हम लोग बैठ के ठंडे में दिए हैं एग्ज़ाम। एंड क्वेश्चन पेपर सर मॉडरेट था, एवरेज टू हाई, ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल भी था, बहुत हाई भी था। हम लोग जिस तरह का सेट बनाए थे वैसा क्वेश्चन नहीं था सर, बेसिक रीजनिंग का लेवल ठीक था और मैथ भी तो अच्छा था सर। जीके जी ये सब नॉर्मल पूछ रहा था सर और बहुत ही अच्छे से सर लिया गया। क्या लग रहा? बिल्कुल सर कैटअप तो सर जाना चाहिए, जिस तरह से सब स्टूडेंट का सर देख रहे हैं रिस्पॉन्स एक अच्छा। तो कराया गया कि यहाँ पे चप्पल जूता खोल लिया जाए क्योंकि चीटिंग का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है, इसी वजह से हम लोग का एग्ज़ाम क्वेश्चन तो अच्छा ही था पर टाइम कम रहने की वजह से जो है ज़्यादा कर नहीं पाए, बाकी तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कैसा आएगा। बहुत अच्छा, लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और आई थिंक बाकी बच्चों का भी अच्छा ही जाना चाहिए। अच्छे जूता चप्पल खुलवा के ये अच्छी बात है, हम लोग जिस तरीके से कहते हैं ना कि क्वेश्चन आउट हो गए, ये सब के लिए ये सब रूल होना जरूरी है। जाएगा? उससे कम रहेगा, उससे प्लस ही है। रीजनिंग सब बहुत अच्छा से, अब की बार जो लेवल है नॉर्मल नहीं है, बुद्धि लगाना पड़ा अच्छा से, उसमें टाइम भी लगा, तो ऐसा नहीं लगा कभी बैठे हुए, हमेशा टाइम उसमें एग्जाम में। अब ये तो अच्छा है ना सबके लिए, पढ़ने वाले के लिए तो अच्छा है ना। रैप के लिए कोई पेज देना चाहिए, रैप के लिए
रब के लिए नहीं था कुछ। हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा था, रब के लिए कुछ पढ़ना देना चाहिए। वो बोल दिया था कि सभी जगह करते हैं। नहीं ना अंदर बोला क्वेश्चन के अंदर नहीं करने के लिए, क्वेश्चन के अंदर यदि करने देता तब सही था। भागलपुर के नगछिया भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र के भोजू टोला कंकला बिहार के समीप अंग्रेजी शराब जब्त कर ट्रक चालक सहित 5 तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार चालक की पहचान मोहम्मद नदीम के रूप में की गई है। इस संबंध में भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि शराब की बड़ी खेप लाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई। उक्त शराब को ट्रक में बने बॉक्स में ढक कर लाया गया था। गिरफ्तार चालक से पूछताछ व उसके मोबाइल डिटेल के आधार पर स्थानीय तस्करों की सुराग तलाश कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट द्वारा पड़ोसी देश चीन में मचाया जा रहे कहर के बीच पूरे विश्व में भय का माहौल बनता जा रहा है, जिसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अभी से ध्यान देने की बात कही है। उसी को लेकर पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। MCH कोरोना वार्ड में 30 बेड को तैयार करके रख लिया गया है। सभी वार्डों में ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी गई है, साथ ही साथ दवाइयों की भी व्यवस्था है। गौरतलब है कि मायग अस्पताल में सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने भी इस नए वेरिएंट BF7 से लड़ने के लिए कमर कस ली है। वहीं हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट असीम कुमार दास ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है। संभावित कोरोना से पहले हम लोगों ने MCH वार्ड में कोरोना वायरस 30 बेड लगाए हैं, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर सभी दवाइयों की व्यवस्था कर ली गई है। अब यह पता लगाना होगा कि यह वेरिएंट कितना खतरनाक है। वहीं अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने यह बताया कि इस कोरोना वायरस से अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। संभावित कोरोना को लेकर पूरी तैयारी है। 30 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं कोरोना के लिए MCH भवन में। सारी दवाइयां और जो कंज्यूमेबल आइटम्स है वो मौजूद हैं और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सब ऑक्सीजन बेड्स हैं। और जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों की आवश्यकता अनुसार अब ड्यूटी लगी हुई है। और इस प्रकार जो है तो अब यह है कि अभी जो वेरिएंट सामने में आया है VF7 वेरिएंट है। अब हमारे यहाँ हम लोग अभी भी 800-900 के लगभग RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। अब जहाँ भी शक वाला होगा उसमें हम लोग टेस्टिंग को बढ़ाएंगे और प्लस उसके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग सैंपल भेजेंगे, ताकि ये पता चले कि क्या वही सीरियस वेरिएंट है या फिर मामूली वेरिएंट है, जैसा कि तीसरे और चौथे वेव में जो आया और चला गया पता भी नहीं चला। तो इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है। भागलपुर के बंसी टीकर स्थित होली फैमिली स्कूल में क्रिसमस को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यीशु मसीह से जुड़े कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। शहर के गणमान्य लोग एवं विद्यालय के प्राचार्या ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन किया, जिसमें रंग बिरंगे परिधानों में बच्चे एक से एक बढ़कर प्रस्तुति देते दिखे। वहीं बच्चों ने यीशु मसीह के जन्म पर एकांकी नाटक की प्रस्तुति दी। साथ ही यीशु मसीह पर आधारित नृत्य की बच्चों ने एक से एक बढ़कर प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। वहीं फैमिली स्कूल की प्रचार सिस्टर सविदा जॉन ने बताया कि यह उत्सव एकता, भाईचारे व विश्व शांति का प्रतीक है। इसे सब लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाते हैं। यीशु मसीह हम लोगों को भाईचारे का संदेश देते हैं। हम लोगों को आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान शहर के कई गण्यमान्य शिक्षाविद, चिकित्सक व विद्यालय के सभी शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। क्रिसमस का खुशी मनाने के लिए यीशु मसीह का जन्म का तो शांति और प्रेम का मैसेज दिया है। भागलपुर के विक्रमशिला पुल पर कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। युवक सबौर किरदंदीपुर के रहने वाले गोपाल शाह के पुत्र आशीष कुमार, इतवारी मंडल का पुत्र रूपेश कुमार है। दोनों युवक बिहार SSC की परीक्षा देने पूर्णिया जा रहे थे। इसी दौरान नगछिया की तरफ से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिससे आशीष गंभीर रूप से घायल हो गए तो रूपेश को भी चोट आई है। दोनों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। दोनों युवक बिहार SSC की परीक्षा देने जा रहे थे। शुक्रवार को इसकी परीक्षा थी। भागलपुर से दूर होने के कारण गुरुवार को ही घर से पूर्णिया के लिए निकले थे। विक्रमशिला पुल के बीच में तेज रफ्तार से आ रही कार ने टक्कर मार दी। युवक कुछ दूर जाकर पुल के गार्डर से टकरा गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक को प्रशासन की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक का इलाज चल रहा है।